नमस्कार नाजरीन, ब्रेक के बाद हम लोग आ चुके हैं और हम बात करेंगे हमारी सोसाइटी में देखा है हमने बड़ी जो संदिली है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। बेसिकली संदिली होती क्या है, हमारा दिल क्यों इतना सख्त हो गया दूसरों को लेके, हमारे रवैये क्यों इतने हार्ड हो गए, आज उस हवाले से बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे हमारे पेरेंट्स के हवाले से कि आज के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ उस रिस्पेक्ट के साथ क्यों बात नहीं करते जो जब हम बच्चे थे या अभी भी हम जिस लिहाज से जिस इज्जत से अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे होते थे तो आज के बच्चे क्यों नहीं कर रहे होते, क्या ऐसी रीजन उस पर बात करेंगे। यकीनन उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान मोटिवेशन स्पीकर है, लाइफ कोच है, एक बेहतरीन टीचर भी है। मैं वेलकम करना चाहूंगी अमार हैदर गुरु का। अस्सलाम वालेकुम अमार, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह के लाख लाख शुक्र, जज़ाकअल्लाह खैर। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मां, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर पहले तो संदिली की डेफिनेशन क्या है, मतलब सुनने वालों को पहले लगेगा संदिली पता नहीं क्या है, मतलब अपने रवैये सख्त कर लेना, दूसरों के साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनसे दूसरों की दिल आजारी हो, या इसके अलावा भी इसकी कोई डेफिनेशन है? जी इरम, ऐसा है कि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो मुआशरा बोना हो चुका है, जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जिनका कद बोना है, जिनका जहन बोना है, जिनकी सोच बोनी है और जिनका दिल बोना है। तो ऐसे दिल जिनकी सोचें छोटी हों जिनके अंदर कि वो तकिए से उठें तो लगता है कि वो खड़े हो गए, तो ऐसे दिलों में क्या माफी जैसी सिफ्त आ सकती जो अल्लाह और मुझ में कॉमन है, जो अल्लाह और आप में एक सिफ्त कॉमन है माफी की, क्या वो उसमें समा सकते? बिल्कुल भी नहीं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान में फरमाते हैं मैंने आपके दिलों में वुसअत पैदा की, मतलब ऐसे छोटे दिमाग जिनके अंदर माफी नहीं आ सकती वो दिल कैसे एक दूसरे को माफ कर सकते हैं, वो हमेशा संगदिल रहेंगे। हमारे दिलों में वुसअत पैदा करने का मकसद यह है कि हमारे दिलों में वुसअत पैदा कर दी जाए कि मैं इख्तलाफ की एक कुर्सी अपने अंदर रख लूं कि मैं आपसे इख्तलाफ करता हूं लेकिन ये कुर्सी आपकी पड़ी है कि आप अपना इख्तलाफ मेरे आपसे है लेकिन मैं आपको बर्दाश्त कर रहा हूं। संगदिली तब आती है जब हमारे दिलों में वुसअत कम हो गई हो, हमारी सोच, हमारे जहन, हमारे दिल छोटे हों, तो हम जब वुसअत नहीं होगी, स्पेस नहीं होगी, तो हम संगदिली से पेश आएंगे, हम सख्ती से पेश आएंगे। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि संगदिली तभी पैदा होती है जब आप बड़े बड़े मुआशरा पैदा करें, बड़े लोग पैदा करें, बड़ी सोच पैदा करें, दिमाग को वुसअत दें, बड़ा करें, तो तभी हम इजीली उसको बेयर कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। बिल्कुल अमार, लेकिन हमने देखा है कि हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते, इवन कि हम अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम ये तो उम्मीद लगा लेते हैं कि अल्लाह भी हमें माफ कर देगा और जो दूसरा सेकंड पर्सन है वो भी हमें माफ कर देगा, एक नॉर्मल सी चीज है, माफी मिल जानी चाहिए। लेकिन जब अपनी बात आती है, वो चाहे छोटी सी कोई लड़ाई हो जाए या हम किसी को कुछ बुरा बोल दें, कुछ तल्ख अल्फाज इस्तेमाल कर ले, तब हम दूसरों को माफ नहीं करना चाहते, हम उसको अना का मसला बना लेते, तो ये प्रैक्टिस कैसे हमारी सोसाइटी में हो सकती है? ऐसा है कि दूसरा पॉइंट ये कि अगर हम एक्चुअली सही और गलत के पैराए में गुम हो चुके हैं कि हम कहते हैं कि ये सही है ये गलत है, तो सही और गलत के बीच में हम लाइफ को 1-0 से काउंट कर रहे होते हैं, या 1 या 0, ये सही या गलत, हमारे बीच हमारे कोई हार्मनी नहीं है, कोई देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट, हम हर चीज को अपने एंगल से देख रहे होते हैं, हम खुद को सही कहते हैं और लोगों को हम एक राइट पर्सन की थ्योरी हमारे में आ जाती है दैट वी आर राइट, हम उसको द सेकंड साइड ऑफ द कॉइन नहीं देखते, हम उसको न्यूट्रलाइज होके नहीं देखते, जब न्यूट्रलाइज होके नहीं देखते तो हम फिर संदिल हो जाते हैं, हम उसको अपनी आंख से देख रहे होते हैं, हमें दूसरे की आंख से भी देखना पड़ता है सिचुएशन को, उस सर्कमस्टेंसेस को। जो आपका सवाल है कि हम खुद, वो शेख सादी कहते हैं कि हम खुद को इतनी बेतहाशा लाखों गलतियों के बावजूद भी खुद को माफ कर देते हैं, लेकिन किसी की छोटी गलती के बावजूद हम उसको हम माफ नहीं कर सकते, हम खुद से नफरत नहीं करते, हम खुद से प्यार करते रहते हैं, तो किसी और की छोटी सी गलती पे हम उससे नफरत क्यों करने लग जाते हैं? तो बात सिर्फ कंपैरिजन है, बात सिर्फ समझने की है कि हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, अगर हम खुद से नफरत नहीं करते बड़ी बड़ी लाखों गलतियों के बावजूद तो हम लोगों से नफरत क्यों करने लग जाते हैं? तो सिर्फ समझने की जरूरत है, खुद को समझाने की जरूरत है, और सिर्फ वही है कि वो बात शुरू मैंने की कि जहन बड़ा करने की जरूरत है, तो संगदिली खत्म हो सकती है, हार्मनी क्रिएट हो सकती है। अच्छा अमर, आपने देखा होगा जब हमारा दिल थोड़ा सख्त हो जाता है तो हम दूसरों के लिए कुछ फील नहीं कर रहे होते, जब दूसरों के लिए फील नहीं कर रहे होते तो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है, दूसरे के काम को लेकर, दूसरे की बात को लेकर, हर चीज को लेकर, कि आया ये तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही करेंगे, इन्होंने तो धोखा ही करना है। तो क्या लगता है कि जब आपका दिल सख्त हो जाता है, ये संगदिली पे आ जाता है, तो आप आसानी से दूसरों को धोखा दे देते हैं? इस तरह से मैं इस पर बात करना चाहूंगा कि देखें संगदिली में, देखें संग दिल बहुत सी गुना हो जाते हैं ना आपसे। एग्जैक्टली, तो संग में
संग आहन का दिल हो जाना, तो हमारी सोसाइटी के अंदर पहले हमारी तहजीब के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती थी जो इस संगो आहन को मेल्ट करती थी, इन एहसासात को आग देती थी, इनसे कुछ इनको मेल्ट करना, इनको मतलब आप इनको पेनिट्रेट कर सकते थे, चैनलाइज कर सकते थे। लेकिन अब क्या ऐसा कोई शख्स है जो हमारी इस संग दिली को पेनिट्रेट कर सके, इसको इस आग को बुझा सके, इसको पिघला सके? तो वो मौलाना रूम कहते हैं कि शम्स तबरेज से कि अगर मेरा जिस्म का एक एक हिस्सा संग का बना हो लेकिन जब मेरी आग पर निगाह पड़ती है तो वो मेल्ट हो जाता है। तो क्या हमारे मुआशरे में कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा रोल मॉडल, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसी कंपनी है कि अब हमारी तहजीब में कोई ऐसी चीज रह गई है जिससे हम संग दिली को, संगो आहन को तोड़ सके, उसको मेल्ट कर सके? इरम, ऐसी चीजें अब तहजीब से खत्म हो गई हैं। अच्छा, एक चीज है कि ईमान रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो हम इबादत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हमारे उसके अंदर भी कोई मकसद नहीं है। तो ईमान अगर रिजल्ट नहीं दे रहा, ईमान हमें माफी की अगर तलकीन नहीं कर पा रहा है, यहां माफ नहीं कर पा रहे, तो उस ईमान का क्या फायदा? इट मींस के ईमान के अंदर भी कमजोरी है। सो ईमान को मजबूत करने की जरूरत है कि हम सबसे, अगर आप क्विकली सुकून चाहते हैं तो कहते हैं किसी ऐसे शख्स को माफ कर दें जो आप जिसको कभी माफ नहीं कर सके। तो माफी की भी डेफिनेशन है कि अगर आप कमजोर हैं तो आपने माफ कर दिया तो आप समझते हैं मैं बड़ा रहम दिल हूं। माफी की असल डेफिनेशन है कि आपके पास ताकत है, आपके पास उस बंदे को सजा देने की बिल्कुल ताकत है, फिर आप माफ करें तो उसको असल माफी कहते हैं। सो ये चीजें समझने की जरूरत है, इस पैराए को समझने की जरूरत है, अपने ईमान को समझने की जरूरत है। और जो दूसरी मैंने बात की कि हमारे मुआशरे में कोई ऐसा रोल मॉडल, ऐसे शख्सियात, ऐसी किताब या ऐसी चीजें हैं जो कैथारसिस कर सकें, जो इस संग को, इस जो संग और दिल है, संग है या आहन है, इसको पिघला सके। अच्छा अमार, इसका मतलब है जब आप संग दिल होते हैं या आपका दिल सख्त हो जाता है दूसरों को लेके या दूसरों के रवैयों को लेके, तो आप सिर्फ उनका ही नुकसान नहीं कर रहे होते, आप अपना भी कर रहे होते, क्योंकि आपके दिमाग में हर वक्त वही चीजें चल रही होती है, आप हर वक्त उन्हीं के बारे में सोच रहे होते हैं, आपका दिल होता है कि इसका कोई नुकसान हो जाए या इसने ऐसा क्यों किया, तो आप अपना जो अल्लाह की ब्लेसिंग है उसके लिए ना शुक्र होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि संग दिली से ना सिर्फ दूसरों का बल्कि आपका अपना भी नुकसान हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप किसी से इस तरह से बात करते हैं, मतलब कुछ अरसा पहले मैंने किसी से गुस्से में बात कर दी, तो यकीन माने कि मैं सोच रहा था कि मैं कैसे उसको फेस करूं, मुझसे ज्यादती हो गई है, मैंने उससे सख्ती में बात कर दी है। तो मसला है कि हमारे यहां हम लोगों ने एक्चुअली को पैरामीटर सेट कर दिए, इवन हमने बच्चों को भी इस रेस में लगा दिया कि तुमने फर्स्ट पोजीशन लेनी और संग दिली से दूसरे बंदे जो सेकंड पोजीशन पे आया है वो तुम्हारा दुश्मन है, तुमने उससे आगे रेस में उसमें आगे दौड़ना है। और मौश के पीछे हम इतना ऐसे भाग चुके हैं, हम मौश के लिए इतना भागना शुरू कर दिया, उसमें इतनी जंग में पड़ चुके हैं कि मैं अगर आपसे कहूं कि आपको किसी और चीज के बारे में सोचना है, किसी की माफी के बारे में सोचना है, तो आप नहीं सोचेंगी। सो आप जब किसी के साथ बुरा करते हैं, संगदिली से पेश आते हैं, तो यकीन करें आप भी सुकून में नहीं होते। आप भी अगर आपके अंदर एहसास नाम की कोई चीज है, अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं, आप इंसान हैं, अगर इंसान, आजकल हम तो इंसान भी नहीं है, सॉरी टू से हमारे, हम एक गोश्त के टुकड़े, ऑर्गन्स लगा दिए गए हैं, उन ऑर्गन्स में अगर मशीन की तरह काम कर रहे हैं, उसमें अगर हम लोगों से लोगों की तरह बिहेव नहीं कर रहे, रोबोट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो हम फिर हमारे अंदर अगर एहसास नाम की चीज नहीं है जो रोबोट के अंदर नहीं है, हमारे अंदर है, तो फिर हम तकलीफ में आएंगे और हम इंसान भी नहीं रहे हैं। बिकॉज हमारे अंदर वो अगर संग दिली है, अगर हम लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो हम कैसे इंसान कहलाने के काबिल हैं? सो आप ठीक कह रही हैं कि अगर हम किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी के दिल आजारी करते हैं, तो यकीन माने अगर आप इंसान के बच्चे हैं तो आपका दिल भी तकलीफ में होता है, आपको भी एहसास होता है कि मैंने मुझसे ज्यादती हुई, मुझसे गलती हुई। अमार थोड़ी अब प्रैक्टिकल लाइफ की बात करते हैं, हम इर्द-गिर्द देखते हैं, लोगों में देखते हैं, उस सोसाइटी में हम भी शामिल है, मौका देने की प्रैक्टिस बहुत कम है, हमसे ये प्रैक्टिस नहीं हो पाती, हम सोचते हैं, हम बात भी करते हैं, हम ट्राई भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी हमें लगता है कि यार मेरी बहुत दिल आजारी हुई, मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरा बहुत नुकसान हुआ है, ये माफी मुझसे नहीं दी जाएगी, बेशक मेरी बात ना हो, ठीक है अगला बंदा अपना काम करता रहे, लेकिन मेरे साथ कोई बात ना करे, क्योंकि मेरे दिल से जो है वो चीज खत्म नहीं हो रही। हमारे इसकी प्रैक्टिस जो है उसके हवाले से बताएं, कैसे प्रैक्टिस की जाए, क्या इसमें पेरेंटिंग का बड़ा रोल है, क्या बचपन से अपने बच्चों को माफ कर देने वाली हैबिट एक जो है वो डेवलप करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों पे माफ कर देना चाहिए ताकि आपका दिल भी साफ हो जाए और अगले का भी हो जाए, ये किस तरह से ये प्रैक्टिस हम लोग लेके आ सकते हैं मौसम? आपने सवाल का जवाब बहुत आसान कर दिया मेरे लिए कि बिल्कुल एकदम से, जब कहते हैं ना कि लोहा गर्म हो तभी उसको आप रीशेप कर सकते हैं,
तो लोहा जब शेप में आ जाता है और उसको टाइम गुजर जाता है, उसको अब आप नॉर्मली उसको मोल्ड नहीं कर सकते। हाँ। तो इस एज में आके इरम हम लोग खुद को मोल्ड नहीं कर सकते, मुश्किल होता है, ईगो में आ जाते हैं और हम कुछ अपने वही राइट एंड रॉन्ग की पॉलिसी पे चलना शुरू हो जाते हैं कि वो सोशल मीडिया और झूठी तारीफें हमको हमें इस इतना डी ट्रैक कर देती हैं कि हमें लगता है कि जो हम कह रहे हैं वो सच है, वो ठीक है, क्योंकि दाएं बाएं से वाह 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 की आवाजें आ रही होती हैं और तुम ठीक की आवाजें आ रही होती हैं। सो आपने बड़ी जबरदस्त बात की कि जब लोहा गर्म था, जब बच्चे बिल्कुल सीख रहे होते हैं कि चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनका बिहेवियर वहां पे जो है ना शेप अप हो रहा था, बिहेवियरिज्म की बात हो रही होती है, तो उस वक्त जो पेरेंटिंग है, जिस वक्त जो पेरेंट्स का काम है वो उनको सिखाना है और वो बच्चा सीखता है ऑब्जर्वेशन से, वो कही हुई बातों से ज्यादा आपको ऑब्जर्व कर रहा था। अगर आप अपनी घर में मेड को माफ करना सीख लें कि उससे गिलास टूट जाए और आप उसे कोई बात नहीं बेटा ख्याल से, अगर वो आपको डांटना सीखेगा तो वो डांटेगा, वो उसको आपने उसको कहीं फिजिकली थप्पड़ मार दिया है तो वो भी वैसे ही करेगा, वो बिल्कुल कुंजहन, वो सब छोटा जहन होता है, उस वक्त वो सीख रहा होता है, वो पोजीशन होती है जब मैंने आपको कहा कि लोहा गर्म है तो आप उसको मोल्ड कर सकते हैं। सो उस वक्त आपकी बहुत आपने बड़ा आसानी कर दी मेरे सवाल के जवाब के लिए कि बिल्कुल हमें इसको बहुत स्टार्ट से, आप अभी मैं कहूं कि माफ कर दें माफ कर दें, अभी तो मैं बिल्कुल सख्त हो चुका हूं, मेरे अंदर वो चीजें जो मैं अपने वो डेवलप भी नहीं हो सकती, वो फीलिंग आ ही नहीं सकती माफ कर देने वाली। दो पॉसिबिलिटीज देयर, इंसान है, इंसान हमेशा बदल सकता है, इंसान के अंदर ये अल्लाह ताला ने एक चीज रख दी है कि इख्तियार, कि तुम अपनी सोचों के साथ खेलो, मैंने तुम्हें आजाद कर दिया, ऑप्शन है तुम्हारे पास, अभी भी जुस्तजू कोशिश के साथ वो बदल सकता है। लेकिन क्या जरूरत है कि हम इतनी इस बात पे काम क्यों नहीं होता कि हम उसको स्टार्ट से ही इस चीज को सिखाएं कि आपने माफ कैसे करना है, आपने मुश्किलात आ जाए तो उसके साथ कैसे खेलना है, आपने गिरना है तो कैसे उठना है, आपने नाकामी को कैसे बर्दाश्त करना है, आप नाकामी होगी तो आपने अपने अपने आप पे अपने नर्व्स पे कैसे काबू रखना है, ये बिल्कुल स्टार्ट में इनिशियली पेरेंटिंग का काम है। बिल्कुल आपने सही कहा, ठीक है, मतलब बच्चों को सिखाना चाहिए घर में, जैसे अमां ने बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल दी, आपके साथ जो हेल्पर हो आपके घर में मौजूद होते हैं, अगर उनसे कोई चीज टूट जाती है, कोई भी गलती हो जाती है तो उनको माफ कीजिए, जब आप माफ करेंगे आपके एक्शन से जो बच्चे वो सीख रहे होंगे, क्योंकि बच्चे ज्यादा एक्शन से सीख रहे होते हैं, जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं उनके साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अमां थोड़ी आपने दुरुस्त बात की और इस पर ये एक ऐसा टॉपिक है जो देखने में तो सुनने में तो बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है कि ठीक है लोगों के दिल सख्त हो चुके हैं, लेकिन इस पर काम करने की बहुत जरूरत है, बहुत से मिसाइल जो है वो कनेक्ट है इस आपके दिल के साथ, आपके बिहेवियर के साथ, आपके रवैयों के साथ, आप क्या बोलते हैं, आप क्या दूसरों से सुनते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आपका वर्क प्लेस पे बिहेवियर कैसा, आपका घर पे कैसा, आपके रिश्तेदारों के साथ, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कनेक्ट किए हुए हैं एक आपका दिल। तो अमां आपको क्या लगता है इसकी प्रैक्टिस के स्कूल्स में भी होनी चाहिए? बिल्कुल, काउंसलिंग सेंटर्स हैं, काउंसलिंग जहां पे आप बिहेवियर पे काम कर सकते हैं, आप एक्टिविटीज के थ्रू सिचुएशन देकर, एक सिचुएशन में डालकर उसका ओरिजिनल बिहेवियर देखें और देन उसको बताएं कि एक्चुअल बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसके ओरिजिनल बिहेवियर और एक्सपेक्टेड और ओरिजिनल उसके बीच में गैप है कि एक वो ओरिजिनली जो परफॉर्म कर रहा है और एक जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो आप उससे चाह रहे हैं कि ये बिहेवियर, तो इस पे बिल्कुल काम होना चाहिए और आप जो है डिफरेंट थ्रू ट्रेनिंग्स, थ्रू डिफरेंट सिचुएशंस, केस स्टडीज देकर आप उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। और आपका दूसरी बात कौन सी थी कि इस पूरे मुआशरे में हमें हमारा जो दिल है, हमारा जो बिहेवियर है, हमें इन सारी चीजें इन चीज कनेक्ट किए हुए हैं ना, कनेक्ट किए हुए, तो बिल्कुल आप देखें कि आप घर से निकलते हैं, आप घर में क्या होते हैं, आप तीन तरह के लोग हैं, आप दुनिया, आप घर वालों के सामने, दुनिया वालों के सामने और एक अपने सामने, इन तीनों में आपको बैलेंस करके चलना है, आपको इन तीनों में कनेक्टिविटी करके चलनी है कि आपको डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से बिहेव करना है। हम वही इंसान है जो अपने जहां से सैलरी मिलती है बॉस के सामने हम संग दिल नहीं होते, हम वही इंसान है जो बच्चों पे, घर पे, मेड पे या बेगम पे या फिर वहां जहां आपका इख्तियार होता है आप संग दिली, इट मींस के चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं, इट मींस के आपके बिहेवियर कंट्रोलेबल हैं, आप बॉस के सामने कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन जहां आपकी इख्तियार है वहां आप शाउट कर रहे हैं, इट मींस कि आप नर्व्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। सो उन चीजों को बस खेलने, उनके साथ खेलने की जरूरत है, उस बिहेवियर को जो है वो बैलेंस करके चलने की जरूरत है। थिंग्स आर इन यू, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट।
ठीक हो गया। अब हमारे थोड़े पेरेंट्स के हवाले से बात करते हैं। यकीनन सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस ऐसी आ रही होती है जिसमें एजड पेरेंट्स को डांट रहे होते हैं कुछ लोग, कुछ मार रहे होते हैं, ऐसी बहुत सी वीडियोस होती है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमसाय मुल्क से भी बहुत सी वीडियोस ऐसी आ रही होती है। तो हम अगर अपनी सोसाइटी की बात करें, पेरेंट्स जिनका रुतबा, जिनका मुकाम बता दिया गया, अभी नहीं 1400 साल पहले बता दिया गया था कि क्या इनका मुकाम है, क्या इनका रुतबा है, उसके बावजूद आज के दौर में एक गैप नजर आता है पेरेंट्स में और बच्चों में। और फिर हम देखते हैं कि बच्चे आसानी से अपने पेरेंट्स को वो हर चीज बोल देते हैं, हर वो बात बोल देते हैं जो कभी हम सोचते भी नहीं हैं अभी भी और बचपन में भी। तो क्या समझते हैं ये बच्चों में जो नाफरमानी आना शुरू हो गई है, जो एक एलिमेंट आ रहा है, माजरत के साथ ये अल्फाज थोड़े सख्त हैं लेकिन इनको मैं बोल रही हूं क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुके हैं। तो जनाब क्या समझते हैं क्यों बच्चे और पेरेंट्स में इतना गैप है, वो रिस्पेक्ट और एक लिहाज का जो एलिमेंट है वो खत्म हो गया? बिल्कुल, मैं अगर इस दुनिया में हूं तो मैं उनकी वजह से हूं, मैं शायद इस कायनात में हूं तो अपने माँ बाप की वजह से हूं, अगर वो हैं तो मैं हूं। कितना मुश्किल है कि हम जब बड़े हो जाते हैं और हमारी शादियां हो जाती हैं तो हम खुद को उनसे जुदा कैसे कर लेते हैं। कितना मुश्किल होता है कि हम जिंदा रह रहे हैं कि हमारे वालदैन इस दुनिया से चले गए हैं अगर, तो हम जिंदा कैसे रह रहे हैं, ये कितना मुश्किल है। मैं छोटा सा होता था तो कभी काली आंधी या रेड आंधी चलती थी ना, तो अम्मी कहा करती थी कि किसी बाप के सामने बेटे ने ऊंची आवाज में बात की होगी तब ये काली आंधी आई है। तो ये कंसेप्ट हुआ करते थे कि बाप के सामने ऊंची आवाज में किसी ने बात की होगी तो ये अल्लाह का अजाब है, ये आंधी चल रही है। तो मैं आज भी सोचता हूँ कि आज काली आंधी क्यों नहीं आती। आज तो हर घर में बेटा, अच्छा बाहर बैठक पे बैठते हैं, कहीं इकट्ठे होकर बैठते हैं तो डिस्कस कर रहे थे मेरे अब्बा तो ऐसे हैं, मेरे अब्बा ने तो ये कर दिया, ये ज्यादती कर दी मेरे अब्बा, माजरत के साथ मेरे अब्बा को तो पता नहीं हर टाइम मेरे से मसाइल रहते हैं, मुझे बाहर नहीं जाने देते, मुझे पैसे नहीं दे रहे, बहुत सी चीजें, बहुत से जुमले ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी शिकवों की लाइन होती है। अच्छा, तो ये बड़ी एक तकलीफ दे अमल है, बहुत ही तकलीफ दे अमल है कि लफज माँ अगर इसको आंखें बंद करके सुकून से अदायगी करें ना सिर्फ माँ की, तो पूरे जिस्म में एक हरारत और एक एनर्जी आ जाती है। सिर्फ उस नाम की अदायगी में इतनी हरारत है तो उसका लिहाज और उसको हंस के, अब कहते हैं वालदैन को हंस के देखना एक हज का सवाब। हाँ। तो क्या आपको यकीन नहीं है इन बातों पे, क्या ईमान नहीं है इन बातों पे कि वालदैन जिन्होंने के बेतहाशा एहसान है और ऐसे एहसान जिनको वो कभी जितलाते ही नहीं है, वो भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, और बड़ी मजे की प्यारी बात कि वो भी भूल जाते हैं कि उस पूरी जिंदगी में इन्होंने आपके साथ क्या क्या, आपको कहीं कहां कहां पे फैसिलिटेट किया वो। तो मतलब ये टॉपिक किसी मजहब में ये टॉपिक हमेशा सराखों पे रखा जाता है कि पेरेंट्स फादर डे और मदर डे इज नॉट द ओनली डे। क्या उन्होंने एक दिन आपकी खिदमत की, क्या एक दिन उन्होंने आपको फीड किया या आपकी फिक्र की? ट्रस्ट मी, वो एक एक सेकंड के लिए आपके लिए परेशान होते हैं। आप उनके जिस्म का हिस्सा हैं, उनके गोश्त का हिस्सा हैं, उनके खून का हिस्सा हैं। आप जब माँ बाप बनेंगे, जो इस वक्त यूथ मुझे सुन रही है, तब आपको एहसास होगा, तब बहुत देर हो चुकी होगी, अल्लाह जिंदगी करे आपके पेरेंट्स की, लेकिन अगर वो जा चुके हुए तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। तो माँ बाप की खिदमत तो भाई आप पे फर्ज क्या, ये तो एक इबादत है कि जन्नत, जन्नत जिसकी आप जिसकी तगो दो में लगे हुए हैं भाई, वो घर जाए, वो तो अगर माँ के कदमों के नीचे है, उस बात पे यकीन करना है इरम, उस बात पे यकीन करना है, उन कदमों को चूमना है और उनकी खिदमत करनी है। मतलब वो जो आप बाहर दोस्तों के साथ ह्यूमर यूज करते हैं, कहानियां हाँ। सुनाते हैं, वो माँ के साथ बैठ के करें। हाँ। और जो आपने गैप की बात की थी इरम, वो ये गैप बिल्कुल है, और गैप तब आया जब हमारी वो जो है वो वाली चीजें नहीं रह गई, वो जो हम ट्रेडिशंस थे वो नहीं रह गए। हाँ। हम एक ही जगह पे डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाया करते हाँ। थे, हम माँ के पास टाइम स्पेंड किया करते थे। अब हमारे पास हमारी दोस्त भी हुआ करती थी, उनके साथ हम अक्सर कुछ बोल भी देते थे, नाराजगी भी इस लिहाज से की जाती थी कि कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना हो जाए जिसे बेअदबी हो जाए। ये बड़ा खास ख्याल रखा होता कि अम्मी के साथ ऐसे बात कौन कर रहा है, अम्मी के साथ ऊंची आवाज में किसने बात की। ये हमारा बचपन है, लाइक जो हमने देखा अपने घरों में। अबार बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, आज के दौर में कुछ ऐसी रस्म और रिवाज हैं, कुछ ऐसी चीजें हमने अडॉप्ट कर लिया जो कि हमारे मजहब का, हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने उनको अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से हमारी जो चीजें हैं, हमारा जो मोहब्बतें हैं या हमारे जो एक रिलेशनशिप में हमारे माँ बाप के साथ एक लिहाज था, वो खत्म होना शुरू हो गया। नाज़रीन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दोबारा भी हम बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ।